जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज का हमारा ये वीडियो जो है, सभी भक्तों के घर में लगभग कन्या पूजन किया जाता है अष्टमी के दिन या महानवमी के दिन। तो कन्या पूजन करने से पहले आप सभी ये हमारा वीडियो अवश्य देखें और सभी सनातनियों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। वेदव्यास जी कहते हैं कि कन्या पूजन जब भी हम करें तो कन्या की आयु क्या होनी चाहिए। तो कहते हैं कि लगभग कन्या की आयु 5 से लेकर के 7 या मैक्सिमम 8 वर्ष की आयु होनी चाहिए। घर में जब कन्याएं आए तो उन्हें देवी स्वरूप मान करके उनका पद प्रक्षालन करें, पूजन वंदन करें, उनकी आरती करें और फिर बढ़िया बढ़िया भोजन प्रसाद उन्हें पवा करके, उन्हें द्रव्य दक्षिणा दे करके उनकी अच्छे से विदाई करें। आप ये मान करके कि साक्षात मेरे घर में माँ दुर्गा ही चली आई हैं, इस भाव से पूरी निष्ठा के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कन्या पूजन करें। इससे हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। कहते हैं कि जीव इस काल चक्र से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जीवन में धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है, जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रह जाती है। कहते हैं ये जो 4 प्रकार के फल हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो कन्या पूजन करने से ही हमें प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि हमें ज्ञान चाहिए, तो हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण बताए गए हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की कमी हो, विवेक की कमी हो, बुद्धि की कमी हो, वो सर्वप्रथम ब्राह्मण कुल की कन्या को बुला करके उसका पूजन वंदन करे और बड़े श्रद्धा भाव के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ उनकी विदाई करे, तो उस व्यक्ति के जीवन में, उस जीव के जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है। कई बार हम सोचते हैं, कोई कोई परेशान होता है कि उसके जीवन में बल नहीं है, वो कैसे अपने शत्रुओं का सामना करे, कैसे उन्हें परास्त करे। तो कहते हैं कि जो अपने जीवन में अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है, जो अपने जीवन में बल चाहता है, वो क्षत्रिय कुल की जो कन्या है, उन कन्या को बुला करके उनका पूजन वंदन करे, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ उनकी विदाई करें, तो उसके जीवन में बल की प्राप्ति होती है, उसको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, ऐसा बताते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में धन की कमी है और धन के बिना धर्म कैसे हो, धन के बिना कोई भी कार्य कैसे हो। तो कहते हैं कि जिसके जीवन में धन की कमी हो, जो धन प्राप्त करना चाहता है, वो वैश्य यानी कि वणिक, वैश्य कुल की कन्या को बुला करके बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ, निष्ठा के साथ उनका पूजन करे, तो उसके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती, उसके जीवन में धन धान्य, उसके घर में धन धान्य भरा होता है। आयु फिर से वही 5 से 8 वर्ष तक की। और कहते हैं कई बार लोग, आजकल तो बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हमें ये बीमारी है, रोगों से परेशान रहते हैं, कि लोग सोचते हैं हमारे जीवन में आरोग्यता आए, हम सुखी हो, हमारा शरीर सुखी हो, हम स्वस्थ हो। तो जो ऐसी कामना करते हैं वो शूद्र वंश में जन्म ली बिटिया का पूजन करें, उनका वंदन करें और फिर बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें भोजन प्रसाद पवा करके अच्छे से निष्ठा के साथ उनकी विदाई करें, दान दक्षिणा दें, जो भी आपसे बन सके, जिस योग्य आप हो। ऐसा करने से ये जीवन में ज्ञान, कह तो माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाती है, ब्राह्मण कुल की वंश की बिटिया का बुला करके उनका पूजन करते हैं आप, तो जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन में बल की प्राप्ति होती है, जीवन में धन की प्राप्ति होती है, जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो ऐसे कहें तो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो कन्या पूजन करता है। इसलिए आप सभी अपने घरों में मैया को एक कन्या के रूप में बुलाएं और उनका बड़े भाव के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ उनका पूजन करें और मैया की कृपा प्राप्त करें। और इसी के साथ आप सभी को जय माता दी।